आज हम नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस डे का पार्ट 5 चलेंगे, और पार्ट 5 में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस डे जो लिखे हैं, जो दिवस लिखे हैं, ये 6 मिनट में आपको याद हो जाएगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कोड यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और 1 0, और यहाँ पे अल्फाबेट से एक्सट्रैक्ट करके जो लेटर्स लिखे हैं, इसके अतिरिक्त अगर लेटर आता है तो उसको नेगलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए हम देखेंगे, अगर ये कोड को याद करना चाहेंगे, अगर लिख कर तो याद नहीं होगा। आप ये प्रीवियस वीडियो देखेंगे, प्रीवियस वीडियो में आपको पूरे डिटेल बताएं, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए हम समय को वेस्ट ना करते हुए इन्वेस्ट करेंगे ताकि अच्छा रहेगा। तो चलिए इम्पोर्टेंस डे, पहला जो आप दिवस देखेंगे कि विश्व डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको याद कैसे करें, तो इसको लिंक करके हम किसी भी चीजों को याद, चाहे हम एसोसिएशन करके या इमेजिनेशन इमेजिनेशन करके या हम किसी चीजों से लिंक करके याद करेंगे तो अपने आप याद होता है, या याद करना ही नहीं, अपने आप याद होगा। देख लीजिएगा आप 6 मिनट में ये सारे जो लिखे अपने आप याद हो जाएगा। और प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। आप उसके बाद जो है शेयर भी कर दीजिएगा, जहां भी आपका संभव वहां तक फैला दीजिएगा। चलिए, विश्व डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपको बैंकिंग में पूछा जाए, एसएससी के कोई भी एग्जाम में पूछा जाए, तो आप आसानी से, चाहे आप कहीं भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए तो कंपटीशन लेवल पे कहीं भी पूछा जा सकता है, ये नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो विश्व डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर का काम क्या है? अगर किसी व्यक्ति एक्सीडेंट या किसी जगह में कुछ हो जाता है, कट जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो उस जो फटे हुए चीज, फटे हुए जगह में वो टाका लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टाका। तो डॉक्टर विश्व डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं? तो डॉक्टर जो है, डॉक्टर जो आपको टाका लगा रहे हैं, आपको कटे हुए भाग में टाका लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? टाका। टाका मैंने कहा कि जो भी अल्फाबेट है, अल्फाबेट में जैसे वॉवेल्स हैं उसको नेगलेक्ट करेंगे, और इसके अतिरिक्त जो भी लेटर्स नहीं आए उसको काटेंगे, ठीक है? और टी का वैल्यू देखेंगे तो 1 होगा, और के का देखेंगे तो उसको 7 है, मतलब 1 7। 1 7 मतलब 1 जुलाई को हम डॉक्टर दिवस, विश्व डॉक्टर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो याद कैसे होगा, अपने आप याद होगा। तो बैंक की स्थापना दिवस में चोर क्या कर रहे थे? चोर डाका लगा रहे थे। क्या? डाका। चोर क्या कर रहे थे? डाका लगा रहे थे। जिस दिन बैंक का स्थापना हुआ उसी दिन चोर डाका लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? डाका लगा रहे थे। इसका कोड 1 और के का कोड 7। 1 7 मतलब 1 जुलाई को ही भारतीय बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और स्थापना दिवस था। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या सबसे मतलब ज्यादा जनसंख्या किसका है? तो ज्यादा जनसंख्या टीटी का है। किसका है? टीटी का, जो अब रेलवे स्टेशन, रेलवे वाला हम देखेंगे टीटी रहते हैं, तो किसका जनसंख्या सबसे ज्यादा है? टीटी का। दोस्तों ये डिस्क्लेमर है आपको, ये सिर्फ हम ये जो है लिंक जो कर रहे हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए है, ये नहीं कि ये वास्तविक है, वास्तविक नहीं, डिस्क्लेमर है, ये चीज को अस्वीकार करना है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए। तो विश्व जनसंख्या दिवस तो किसका है? तो जनसंख्या किसका है? तो टीटी का, सबसे ज्यादा टीटी का है, जनसंख्या सबसे ज्यादा टीटी का है। तो यहाँ से कोड आपका निकलेगा 1 1 और 7, इसका मतलब 11 11 7, मतलब 11 जुलाई को हम
जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। कारगिल नेक्स्ट है आपका कारगिल स्मृति दिवस। कारगिल स्मृति दिवस जिस समय कारगिल का युद्ध हो रहा था, जिस समय कारगिल का युद्ध होने के लिए विश्व में जो कारगिल के युद्ध के समय भारत कैसा था उस समय, जो भारत जो है कैसा था, तो भारत जो है नाजुक था। कैसा था? नाजुक। भारत कैसा था? नाजुक। और नाजुक से कोट बनेगा टू, और जे का कोट सेवन, सॉरी जे का कोट सिक्स और के का सेवन। तो 26 जुलाई को हम कारगिल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संरक्षण करने के लिए हम नाइफ सेवन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? नाइफ सेवन सेवन का यूज करते हैं। नाइफ सेवन का यूज करते हैं। प्राकृतिक संरक्षण करने के लिए नाइफ सेवन का यूज करके संरक्षण करते हैं। तो यहाँ से ये जगह नाइफ सेवन को यूज करके प्राकृतिक संरक्षण, नाइफ को यूज करते हैं और यूज करके प्राकृतिक संरक्षण करते हैं। मतलब यहाँ से कोड निकला के का वैल्यू यहाँ पे नहीं, नाइफ यहाँ जो पढ़ा रहा है के का, नाइफ के में साइलेंट रहता है इसलिए एन का हो गया टू, और यहाँ आई कटेगा ई कटेगा, और एफ का वैल्यू होता है 8। यहाँ देख रहे हैं 8 है और यहाँ 7। मतलब 28 जुलाई को हम विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से निकलेगा हीरो और सीमा, हीरो सीमा। तो हीरो का जो है सीमा जीएफ है, हीरो का सीमा की हीरो का जो है हीरो का जीएफ हीरो का जो सीमा जीएफ है। किसका? हीरो का जो है सीएफ जीएफ है। क्या है? जीएफ है। हीरो का सीमा जीएफ है। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड है। हीरो का जो है सीमा जीएफ है। तो यहाँ से कोड निकलेगा 6 जी से 6, और यहाँ एफ से होगा आपका 8। इसका मतलब 6 अगस्त को हम हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस समझेंगे कि आदिवासी लोगों का व्यवहार, आदिवासी लोगों का व्यवहार है। क्या है? आदिवासी लोगों का बेफवा है। क्या है? बेफाव है। बेफाव क्या है? बेफाव है। आदिवासी का बेफाव है। आदिवासी लोगों का बेफाव है। क्या है? आदिवासी लोगों का बेफाव है। इस तरीके से बेफाव और बेफाव विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आदिवासी लोगों के लिए बेफाव है। तो इसको याद, ऐसे बेफाव है तो यहाँ से कोड निकलेगा ई कट जाएगा, डब्ल्यू कटेगा और ये भी कटेगा। बी हो गया 9 और एफ हो गया 8। तो इसका मतलब जो है 9 अगस्त को हम विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। आजकल जो युवा लोग क्या होते हैं, सुने होंगे, आजकल युवा लोग डॉन होते हैं, अपने आप को डॉन समझते हैं। समझ रहे हैं ना? युवा लोग क्या समझते हैं? अपने आप को जो युवा लोग डॉन समझते हैं, मतलब डॉन भी समझते हैं। बोलते हैं भी मतलब भी, डॉन भी समझते हैं, अपने आप को डॉन भी समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्र में युवा लोग अपने आप को डॉन भी समझते हैं। डॉन भी समझते हैं। क्या समझते हैं?
डॉन भी समझते हैं, तो डॉन भी समझते हैं, तो यहाँ डॉन भी नहीं चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ नहीं चलेगा डॉन, सभी अपने आप को डॉन भी समझते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से कोड निकलाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी से आए। इसका मतलब 12 अगस्त को हम, 12 अगस्त को हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है, खेल दिवस जो है, जिस खेल में जिस जो लोग खेलते हैं उन लोगों का अनुभव होता है, ठीक ना, कि कैसे खेला जाए और कैसे खेल कर जीता जाए। खेल को, किसी भी खेल को खेलने के लिए अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खेल खेलने के लिए हमारे प्रति हमारे हमारे पास अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खेल खेलने के लिए अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुभव, अनुभव होना चाहिए, अनुभव, अनुभव होना चाहिए। तो अनुभव यहाँ ए कट जाएगा, यू कटेगा, एच भी कटेगा, ए भी कटेगा, बचेगा क्या? N2 बचेगा, यहाँ B9 बचेगा। यहाँ देख रहे हैं 9 का P और B और V का 8, यानी 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, सद्भावना दिवस हम लोग मनाते हैं कब? जैसे सद्भावना दिवस में हम बोल सकते हैं, तो सद्भावना दिवस में हम जैसे सद्भावना दिवस में इंसाफ होगा। क्या होगा? इंसाफ होगा। क्या होगा? इंसाफ। मतलब सद्भावना दिवस में इंसाफ होगा। क्या होगा? इंसाफ, इंसाफ है ना, दिख रहे हैं? सद्भावना दिवस में इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। और इंसाफ होगा तो यहाँ से जो कोड निकलेगा, एन का कोड 2 और एस जो कोड है 0, एस का कोड 0 और एफ का कोड 8, यानी 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इम्पोर्टेंस डे कुछ ही क्षण में याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है तो फिर से एक बार इस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, अपने आप याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करेंगे, अगर इसी तरीके से वीडियो चाहिए तो कमेंट करेंगे। आपको चाहे किसी भी कैपिटल को याद करना हो, किसी करेंसी, किसी देश का करेंसी को याद करना हो, किसी पीरियोडिक टेबल याद करना हो, सारे हम आसानी इजी तरीके से बता के आपको याद करवा देंगे। थैंक यू।